या उनको लगता है कि कोई उनकी तरफ इशारा है, लेकिन खैर पाकिस्तान के लोगों ने भी ये फैसला किया है और अब पाकिस्तान की अदालतों का काम है कि इस मामले को आगे बढ़ाएं। लेकिन जिस अहम मामले के ऊपर मैं आज बात करना चाहता हूँ वो ये है कि कल सूबाई असम्बली जो सिंध है वहाँ पर तैमूर अली खान तालपुर, जिनके जो तालपुर साहब के बेटे हैं, उनके वाले साहब यहाँ पे MNA पीपल्स पार्टी के, उन्होंने एक बहुत अहम इंकशाफ किया है और उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपना हलफ लेने से पहले सेनेट के इंतखाबात में जो बात की थी कि पीपल्स पार्टी के लोग और बाकी कुछ लोग जो हैं वो इसमें मुलव्वस हैं खरीदो फरोख्त में, उसको उन्होंने कन्फर्म कर दिया है कल फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर। और उन्होंने बताया है कि किस तरह से पीपल्स पार्टी ने, उन्होंने खुद बताया है कि किस तरह से अपोजिशन के एक आदमी को खरीदा। अनफॉर्चुनेटली लोगों ने सियासतदानों की कोई इज्जत नहीं छोड़ी, सियासतदानों को कहीं पर भी इन्होंने अपने कंडक्ट से, इन्होंने अपने किरदार से जो सियासतदानों को एक बिल्कुल मजाक बना के रख दिया है। और यहाँ इसीलिए हम देखते हैं कि उनकी बातों को, उनकी पॉलिसी डिसीजंस को उस तरह से जो अवाम को, एक जो दुनिया में लीडरशिप को, पॉलिटिकल लीडरशिप को लुक अप टू करते हैं, उनकी तरफ देखते हैं, पाकिस्तान में इन पार्टीज के किरदार की वजह से सियासतदानों को नहीं देखा जाता और ये अनफॉर्चुनेट है। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान ने पहले एक बात की थी कि अपोजिशन और पाकिस्तान में हुकूमत इस बात के ऊपर इकट्ठी हो और सेनेट के इलेक्शंस का तरीकाकार तब्दील होना चाहिए। अब तो वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि उन्होंने लोग खरीदे हैं। आप मुझे बताइए कि क्या इसके बाद कोई इसमें गुंजाइश रह गई है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले बात की थी वो बात उसके ऊपर अमल ना किया जाए? तो मेरा यह ख्याल है कि एक तो ना सिर्फ ये कि इलेक्शन कमीशन इतनी बड़ी बात हो जाती है, इलेक्शन कमीशन को पता ही नहीं चलता, मैं तो उन पर भी हैरान हूँ। जब तक आप प्रोएक्टिव नहीं होंगे, जब तक आप नोटिस नहीं लेंगे इन बातों का, तो ये बातें तो होती रहेंगी। इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल इसके ऊपर सोना नहीं चाहिए, उनको जागना चाहिए, उनको एक्शन लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसके ऊपर बड़ा, उन्होंने संगीन एडमिशन किया है, उनको आप तलब करें, आपके पास केस पेंडिंग है और उनसे इसके ऊपर जो है वो मजीद इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑर्डर होनी चाहिए। और हम समझते हैं कि हमने पहले अपने जो 20 लोग थे, आपको मालूम है खैबर पख्तूनख्वा में, उनको असम्बली से जो था वो उनको मुअत्तल किया था, फिर उनको टिकट्स भी नहीं दिए गए। हम बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम अदा कर रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि वो इलेक्शन में अपना जो किरदार है, जो इलेक्शन कंडक्ट कराने में बहैसियत एक आईनी इदारा वो किरदार अदा करे। इदारों का अपना अपना फंक्शंस हैं। इलेक्शन कमीशन को मैं ये समझता हूँ कि फौरी तौर पे इसका नोटिस लेना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए और इस मामले को असर नो खोलना चाहिए, पॉलिटिकल फोर्सेस को आगे बढ़ना चाहिए और सेनेट के इंतखाबात का तरीका जो है उसको तब्दील करना चाहिए। करप्शन पे जिसको आप पकड़ने की कोशिश करें वो कहता है मेरे खिलाफ बड़ा जुल्म हो गया। तो सबको, इनको तो करतूत बताने की भी लोगों को जरूरत नहीं है, एक एक आदमी को बता। अभी तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो $700 मिलियन, ये जो इनके फैसलों की वजह से ये जो हुकूमत को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बाहर अभी हमें केसेस भुगतने पड़ रहे हैं, रिकॉर्ड एक्ट में हो गया, कारके में हो गया, ये तो सारी पार्टीज को मिलके इनके ऊपर केस करना चाहिए और इनसे पैसे वापस, इनकी तो जायदादें बिकनी चाहिए जो इन्होंने हरकतें की हैं पाकिस्तान के साथ। ये जो एक पूरी एलीट क्लास है, ये जब तक इसको हमने ऊपर से गिच्ची से ना पकड़ा, ये पाकिस्तान ने ठीक नहीं होना। पर ठीक है, हम नीचे लगे रहे पटवारियों शारियों पे इधर उधर करते रहे, लेकिन ये मेरा ख्याल ये है कि PTI की हुकूमत से लोगों को ये तवक्को है कि हम इनको गर्दन से पकड़ेंगे, और अगर हमने इनको गर्दन से ना पकड़ा तो लोग मायूस होंगे। सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म करेगी उस पर तो जाहिर हम अमल ही करेंगे। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस पर अमेंडमेंट्स तो नहीं आती, सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट।